हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियोस में मैंने दिखाया है कि आप धोती पैंट को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से किस तरीके से वियर कर सकते हैं। धोती पैंट बहुत अच्छी लगती है और समर में तो इस टाइप की ड्रेसेस काफ़ी एट्रैक्टिव भी लगती है और साथ ही इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट होती है। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो में मैंने धोती पैंट को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से वियर किया है, जिसे मैंने पेपलम टॉप के ऊपर, सेट के ऊपर, टॉप के ऊपर, लॉन्ग कुर्ती के ऊपर वियर किया है। तो आप भी इस तरीके से वियर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और साथ में बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। गाइस, यहाँ पर मैंने धोती पैंट्स को पेपलम टॉप के साथ पहना है, जो कि ब्लैक और येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है, मल्टी येलो का, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं धोती पैंट्स को डिफरेंट स्टाइल से वियर करना, तो आप इस तरीके से उसे पेपलम टॉप के साथ पहनिए, वाइट या ब्लैक, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही आप एक चंकी ज्वेलरी पहनिए, इयररिंग्स पहनिए मैचिंग के, ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरीके से समर में आप भी अपने धोती पैंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर धोती पैंट को एक अनारकली कुर्ती के साथ वियर किया है और अंदर मैंने एक इनर पहना है, जिससे इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। रेड, ग्रीन और येलो, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। साथ ही गाइस, आप एक अच्छी ज्वेलरी पहनी है और एक अच्छी हेयर स्टाइल बनाई है। सो गाइस, इस तरीके से भी आप अपनी धोती पैंट्स को पहन सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लू धोती पैंट को एक वाइट कलर की कुर्ती के साथ वियर किया है, जो कि आगे से कट है। तो आप इस तरीके से भी धोती पैंट को इस टाइप की कुर्ती के साथ वियर करें, ये लुक बहुत ही सुंदर लगता है। और साथ ही मैंने ब्लू कलर की इयररिंग्स पहने हैं, इससे जो इसका कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो गाइस, आप इस तरीके से भी वियर कर सकते हैं। एक अच्छी सी सैंडल्स पहनी है। आप अपनी पैंट को टॉप के साथ, शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। मैंने ब्लैक के साथ पहना है, जिसे मैंने अंदर इनर किया है। इस तरीके से आप पहनोगे तो बहुत ही सुंदर लगोगे, एक अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाइए। तो इस तरीके से भी आप अपनी पैंट को डिफरेंट स्टाइल से वियर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लू पैंट को एक पेपलम टॉप के साथ पहना है, जो कि ज़्यादा फ्रिल में नहीं है, एक सिंपल सा है। तो इस तरीके से भी आप पहन सकते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है लुक, और एक अच्छे से हेयर स्टाइल बनाई है। सो गाइस, अगर आपके पास भी कोई पैंट है तो आप उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पहनिए, ये बहुत ही सुंदर लगती है। और मोस्टली मुझे जो धोती पैंट्स होती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इनके साथ साड़ी भी वियर कर सकते हैं, साड़ी में भी एक इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट होता है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर पैंट को एक वाइट कलर की कुर्ती के साथ वियर किया, जो कि प्योर कॉटन में है, और एक बहुत ही प्यारी सी नेकलेस पहना है। तो गाइस, इस तरीके से भी आप वियर कर सकते हैं, ये लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही मुझे ये कुर्ती बहुत ही अच्छी लगती है, मैं मोस्टली इसी टाइप से पहनती हूँ। तो आप भी इसी टाइप से वियर कर सकते हैं, ये लुक भी बहुत ही प्यारा है।
गाइस मैंने यहाँ पर रेड कलर की कुर्ती के साथ ब्लू पैंट पहनी है और जो कि रेड कुर्ती है ये काफी लॉन्ग है तो इस तरीके से भी आप पहन सकते हैं। साथ ही जो साइड कट है वो काफी ज्यादा कट है जिससे कि इसका लुक उभर कर सामने आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप कुर्ती पैंट्स को वियर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर धोती पैंट को ब्लैक कुर्ती के साथ पहना है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, तो इस तरीके से भी आप धोती पैंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा बलून वाली धोती पैंट पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से येलो है इसे आप खरीद भी सकते हैं, स्टिच भी करा सकते हैं, इस तरीके से आप धोती पैंट पहनिए ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस इन सभी में से कौन सा स्टाइल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना।